गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र से विधान परिषद के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे। पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान एक बैठक आहूत की गई, जिसका संचालन सिंहासन यादव ने किया। इस दौरान सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी अवधेश यादव को जिताने के लिए सभी लोग वोटर लिस्ट में नाम बनवाने में जी जान से जुट जाए। गोरखपुर शिक्षक MLC के होने जा रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी पहली बार मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी ने गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है, जो राम मनोहर लोहिया इंजीनियरिंग कॉलेज फैजाबाद में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। इस दौरान रामनाथ यादव, दयानंद विद्रोही, राजमन यादव, अमीरुद्दीन अंसारी, राघवेंद्र तिवारी, राजू मैना भाई, अशोक चौधरी, डॉक्टर राजेश यादव आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, प्रहलाद यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। आज ये आवश्यक बैठक हमारे समाजवादी पार्टी द्वारा जो आगामी चुनाव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का होगा, गोरखपुर फैजाबाद का, उस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हमारे घोषित प्रत्याशी हैं, प्रोफेसर हैं, और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, टेक्निकल व्यक्ति हैं, माननीय श्री अवधेश यादव जी, और विश्वविद्यालय के आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और आप हमारे घोषित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी। आपको जिताने के लिए जो मतदाता बनाने का इस समय कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो शिक्षक गुटों के लोग जो लड़ते आए हैं पहले से चुनाव, वो लोग कुछ एक लोगों को मतदाता बना करके और उस पर अपना वोट डलवा करके जीतते रहे हैं। जो नियम और नियम से जितने मतदाता बनने हैं, उन मतदाताओं के बनाने के लिए फॉर्म और उसमें जो ज़रूरी निर्देश हैं उनके साथ आप आए हैं। हम तमाम प्रबंधकों को, तमाम शिक्षकों को आज की बैठक में हम यहाँ पर आमंत्रित किए हैं। सब लोग आए हुए हैं, आप लोगों को भी इनसे रूबरू कराने के लिए बुलाया गया है, और जिसमें उसी पर रणनीति बन रही है, पहले हम अपने वोट बना लें, हमारे वोट होंगे तो जीत हमारी होगी।